नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सोनो से चंद्रदेव बर्नवाल की रिपोर्ट। सोनो थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक दुकान में लगी आग से 2 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। सोनो खैरा मुख्य मार्ग पर सोनो चौक स्थित एक बैटरी दुकान पर शनिवार की सुबह अचानक लगी आग से दुकान में रखा नए पुराने बैटरी, इन्वर्टर एवं स्टेबलाइजर सहित 2 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलने का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम टोला सोनो निवासी असलम अंसारी सोनो खैरा मुख्य मार्ग पर एक भाड़े की दुकान लेकर बैटरी का दुकान चलाता था। प्रत्येक दिन की भांति मोहम्मद असलम अंसारी शुक्रवार की रात अपने दुकान को बंद कर घर चला गया था, जिसे शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिला कि तुम्हारे दुकान में आग लग गया। आग लगने की खबर सुनते ही असलम अंसारी दौड़ते हुए अपने दुकान पर गया तो देखा कि दुकान के अंदर से काफी धुआं निकल रहा है एवं बाहर काफी ग्रामीण जुटे हुए हैं। बताते चलें कि ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज था कि देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में दुकान के अंदर रखा सभी सामान जलकर राख हो गई। समाचार संकलन तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आधा घंटा में मान के चलो ना, टोटल प्लास्टिक ये ना बिजली गर्म हो जाते गाड़ी लगा छोड़ सब पैपाली भाई ना।